नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कुंभ लगन व कुंभ राशि के लिए शनि महाराज की वक्री होने का प्रभाव। शनि महाराज अभी तक मार्गी अवस्था में थे, लेकिन अब 17 जून 2023 को शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं और वो 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। शनि महाराज के वक्री रहने का प्रभाव कुंभ लगन व कुंभ राशि पर क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि कुंभ राशि में ग्रहों की क्या स्थिति है। कुंभ राशि में शनि महाराज इस समय लगन पर चल रहे हैं और इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में चल रहे हैं। अब शनि महाराज जब कुंभ राशि में वक्री होंगे तो वो पीछे की तरफ जाएंगे, जिसके कारण वो आपके द्वादश भाव को इफेक्ट देंगे। द्वादश भाव को शनि महाराज इफेक्ट दे रहे हैं और द्वादश भाव का इफेक्ट देने का एक अर्थ तो ये हो गया कि आपका लग्नेश द्वादश में चला गया। तो कुंभ लगन व कुंभ राशि के वो जातक, एक तो इस बात का ध्यान रखें कि जो जातक विदेश जाने में इंटरेस्टेड है या जो विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए विदेश में जॉब ढूंढने के लिए या विदेश यात्रा पर जाने के लिए या विदेश से जुड़े कामों को करने के लिए बहुत अच्छा समय है। क्योंकि ध्यान रखिए, इस समय कुंभ राशि पर शनि की 7.5 चल रही है और शनि की 7.5 चलने का मतलब है कि जब शनि महाराज आपके द्वादश में होते हैं चंद्रमा से या लगन पे होते हैं, द्वितीय भाव पर होते हैं, तो आप पे शनि की 7.5 होती है। अभी शनि महाराज आपके चंद्रमा पर है तो आप पे शनि की 7.5 चल रही है। अब शनि महाराज चंद्रमा में होने के साथ साथ चंद्रमा से द्वादश भाव को भी इफेक्ट देंगे। तो जो जातक, यानी आपका लग्नेश द्वादश में चला गया, इसका मतलब जो जातक अपनी जगह बदलना चाहते हैं, किसी प्रकार का स्थान परिवर्तन चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जॉब ढूंढ रहे हैं और आपको जॉब नहीं मिल पा रही, तो आप ऐसा करिए कि 17 जून के बाद अपनी वर्तमान जगह को छोड़कर दूसरी जगह जॉब ढूंढने की कोशिश कीजिए, तो आपको जॉब मिल जाएगी। क्योंकि लग्नेश द्वादश हो रहा है तो 17 जून से लेकर 4 नवंबर 2023 के बीच में अगर आप वर्तमान जगह को बदलते हैं तो आपको जॉब मिलने में आसानी होगी। अगर आप इस अवधि में विदेश जाने का प्रयास करते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। साथ ही अगर आप लंबे समय से ट्रांसफर की कोशिश कर रहे थे तो उसके लिए भी समय अच्छा है। और अगर आप वर्तमान जॉब को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए मैं कहूंगी कि आपके लिए समय अच्छा आएगा 4 सितंबर 2023 से 4 नवंबर 2023 के बीच में। ये वो समय होगा जब देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे और वो आपके सेकंड हाउस की तरफ जाएंगे। तो इसलिए अगर आप जॉब बदलने का कोई विचार है आपका, तो उसको बदलने का समय होगा 4 सितंबर 2023 से 4 नवंबर 2023 के बीच में। अगर आप वर्तमान जगह पर जॉब ढूंढ के परेशान हो गए और आपको नहीं मिल रही, तो आप शनि के वक्री होते ही दूसरी जगह पर जॉब ढूंढने की कोशिश कीजिए। और शनि के वक्री होने के बाद आप अपने ट्रांसफर के लिए भी प्रयास कर सकते हैं, विदेश यात्रा के लिए भी करा सकते हैं। और इस अवधि में, शनि के वक्री रहने की अवधि में, आप किसी भी कारणवश अगर स्थान परिवर्तन करते हैं तो आपको उस स्थान परिवर्तन का अवश्य ही लाभ होगा कैरियर से जुड़े मामलों में। इसमें ध्यान रखिएगा कि शनि महाराज आपके लग्नेश हैं और आपका लग्नेश वक्री हुआ है। लग्नेश जब वक्री होता है तो पुरानी बीमारी दोबारा निकल कर आती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि में का संबंध हमारे पैरों से होता है। अगर आपको लंबे समय से पैरों से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई गठिया है, जोड़ों में दर्द वगैरह रहता है, या आपको बात संबंधी कोई प्रॉब्लम है, संधिवात की प्रॉब्लम है, तो ध्यान रखिए वो पुरानी बीमारी फिर निकल के आ सकती है। या अगर आपको पेट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम रहती है, पेट में एसिडिटी वगैरह ज्यादा बनती है, आपके गैस वगैरह, वो सब चीजें आपको दोबारा परेशान कर सकती हैं। अपने बीपी का ध्यान रखिए। तो अपने हेल्थ का ध्यान रखना है क्योंकि लग्नेश वक्री हुआ है 17 जून 23 से लेकर 4 नवंबर 23 के बीच में, तो पुरानी बीमारी फिर निकल के आ सकती है। साथ ही कुटुंब से जुड़े मामलों में सावधानी रखिएगा। कुटुंब में किसी प्रकार का विवाद होने की संभावना बनती है। शनि वक्री होने के बाद आपके पंचम से अष्टम की तरफ जाएंगे तो आपको इस अवधि में संतान से जुड़ी कोई ना कोई चिंता परेशान कर सकती है जून से लेकर नवंबर के बीच में। खर्चे आपके अधिक होंगे क्योंकि द्वादश भाव एक्टिवेट हो रहा है, जिसके कारण खर्चे अधिक होंगे। घर में कुछ सुख सुविधा का सामान आ सकता है आपको इस अवधि में। आप देखेंगे जून से नवंबर के बीच में आप सेविंग नहीं कर पाएंगे, आपके कुछ ना कुछ खर्चा लगा रहेगा। और कुछ खर्चे आपके बीमारी पे भी हो सकते हैं और कुछ खर्चे आपकी यात्राओं पे भी हो सकते हैं, कुछ खर्चे भौतिक सुख सुविधाओं पे भी हो सकते हैं। ध्यान रखिए, शनि महाराज वक्री हैं और द्वादश भाव से संबंध बना रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि कामों की गति आपको कुछ धीमी लगेगी। कई बार काम में आपको बाधा का भी अनुभव होगा और आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, तब आपको रिजल्ट मिलेंगे। और साथ ही साथ लग्नेश को कि 12वें भाव से संबंध बना रहा है, तो इस अवधि में आप देखिएगा कि जून से नवंबर के बीच में एक ऐसी स्थिति बनेगी कि जब भी आपके पास समय आएगा कि आपको कोई निर्णय लेना है, तो आप निर्णय नहीं ले पाएंगे।
आपके निर्णय लेने में देरी होगी, जिसके कारण आपके काम भी देरी से हो जाएंगे। क्योंकि जब लग्नेश की पोजीशन ऐसी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जातक की सोच थोड़ी सी डगमगा जाती है। वो जब भी कुछ सोचने लगता है तो एक साथ दो तीन बातें उसके दिमाग में आती हैं। तो अपना कॉन्फिडेंस बना के चलिए, कुछ भी काम करिए सोच विचार के करिए, किसी से सलाह ले लीजिए, क्योंकि कई काम ऐसे हो सकते हैं कि आपके निर्णय देरी से हों जिसके कारण वो कामों में देरी हो जाए। इसलिए ध्यान रखिए, काम की गति धीमी है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन काम आपका होगा। और आगे चलकर जब 4 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति आपके वक्री हो जाएंगे तो आप देखेंगे कामों की गति आपको फिर बढ़ती हुई लगाई दिखाई देगी, जब तक गुरु आपके वक्री रहेंगे। तो दर्शकों, मेरा वीडियो था कि कुंभ लगन व कुंभ राशि के लिए शनि के वक्री होने का प्रभाव क्या है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सके। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।